अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के पास पेपर्स, जिसकी टेस्ट एनटीएस कंडक्ट करती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का पोर्शन, इंशाल्लाह एक एक वीडियो बना दी जाएगी सब पोर्शन पर। केमिस्ट्री की अलग वीडियो होगी, फिजिक्स की अलग होगी और इंग्लिश की अलग होगी। ये आपका सबका डिमांडिंग वीडियो था, इसलिए इसको बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और सबको कामयाबी अता फरमाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए क्लाइटिलियम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके पास क्लाइटिलियम है, तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थवॉर्म। जो मैंने हाइलाइटेड किए हुए हैं वही राइट आंसर है। दूसरा सवाल है हमारे पास, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म आर डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म है वो किसने डिस्कवर की थी, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नेवेसन एस जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थ्री क्वेश्चन है हमारे पास, रिंगवॉर्म डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय। इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोस्पोरम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फोर्थ सवाल है हमारे पास, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, एम्बडन मेरोपेरस पैथवे, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन। जो चौथा वेंट्रिकल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, फाइलोइड इज अ मॉडिफाइड। फाइलोइड जो है वो किसकी मॉडिफाइड शेप है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पिट्योल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सेवन क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉलीफ्लावर यूज्ड एज अ वेजिटेबल इज। जो कॉलीफ्लावर जिसे हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेशी इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, विच वन फैक्टर हैज़ लेड टू सम चिचल्ड एक्सटिंक्शन इन द लेक। चिचल्ड जो है वो एक टाइप की मछलियां हैं जो लेक में बहुत ही कम हो रही हैं, तो उनका कौन सा फैक्टर है जो इन पे अफेक्ट करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है हमारे पास, द पेलिकल इज प्रेजेंट इन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमोइबा वायरिस्का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। टेन क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट थ्रेटन्ड एरिया ऑन द अर्थ फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए कौन सा थ्रेटन्ड एरिया है ज़मीन पर, तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 11 है हमारे पास, टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेल लाइन हुज मेंबर कंटेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन्स। जो जीन्स की कॉपीज बनती हैं और वो बिल्कुल सेम होती है, आइडेंटिकल होती हैं, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है जीन क्लोनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन। सिल्वर फिश को किस ग्रुप में रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्थ्रोपोड्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिल्वर फिश नाम में फिश आ रहा है लेकिन ये फिश में इंक्लूडेड नहीं है, लिहाजा आर्थ्रोपोड्स में ये इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इन आर एक्सपायरेटरी एयर ऑक्सीजन कॉन्टेंट अराउंड। हमारे जो एक्सपायरेटरी एयर है उसमें ऑक्सीजन की तादाद कितनी होती है, कितनी परसेंटेज में होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ फैकल्टेटिव पैरासाइट इज। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्मली ए सेप्रोफाइट बट कैन लिव एज पैरासाइट अंडर फेवरेबल कंडीशन। नॉर्मली तो वो सेप्रोफाइट होता है लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो पैरासाइट के तौर पर भी रह सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ कैविटी फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रेकेट्स इन इक्वेस्टिव स्टेम इज कॉल्ड। एक कैविटी बनती है इक्वेस्टिव स्टेम में, तो जो प्रोटोजाइलम की डिग्रेशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैरिनल कैनाल। कैनाल कैनाल क्या है, कैरिनल कैनाल वो कैनाल है इक्वेस्टिक स्टेम में जो पानी ट्रांसफर कर रहा होता है एक नोड से दूसरे नोड में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूज अ प्रोटीन टू हेल्प अ सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस।
नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन हेल्प करती हैं सब्सटेंस को मूव करने में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इन फ्रॉग द वेन ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द टंग इज, जो फ्रॉग में वो कौन सी वेन होती है जो जुबान से खून लेके आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिंगुअल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरिंजम ओनली by the decay of gametophyte in, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिसिया। नंबर 19 है हमारे पास, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिटरमिनेंट्स आर नोन एज, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लाज्मिड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही आसान सा सवाल है, द एटीपी इज फॉर्मड इन, तो इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्जा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड, नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी अल्जा है जो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुनोलैक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, एग लेइंग मेमल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, जो एग लेइंग मेमल्स होते हैं वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोनोट्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, फ्लेक्सिंग एंड बेंडिंग ऑफ आर्म इज डन बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बाइसेप्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, अ पायरामिडिन दैट इज एब्सेंट इन आरएनए, वो कौन सा पायरामिडिन है जो आरएनए में एब्सेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थायमाइन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ब्लैंक फैमिली, वो कौन सी फैमिली होती है जिसमें एक ही ओव्यूल पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पोजिटाए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, कोर्टेक्स डेवलप्स फ्रॉम, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लूरोम। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, नोरिशिंग टिश्यू सराउंडिंग द स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू इन अ यंग स्पोरिंजम इज, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेपीटम। नंबर 28 है हमारे पास, द फिनोमिनन ऑफ सल्फर शावर इज फाउंड इन, तो इसका जो सही आंसर है वो है पाइनस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, लीफ गैप्स एंड लीफ ट्रेंसेस आर सीन इन द राइजोम ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ओफियोग्लोजम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इन विच पोर्शन ऑफ द सेल राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वो कौन सा पोर्शन है सेल का जिसमें राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, न्यूक्लियोलस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।